कार्तिक मेले में झूले की जगह को लेकर शनिवार को बवाल हो गया है। व्यापारी इस कदर आक्रोशित हुए कि उन्होंने पहले कार्तिक मेला मंच और बाद में नगर निगम कार्यालय पर जाकर धरना दे दिया। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद निगम अधिकारियों ने आपसी सहमति के आधार पर व्यापारियों को झूला लगाने की मंजूरी दे दी है। कार्तिक मेले का रंग अब तक झूले शुरू नहीं होने के कारण जम नहीं पा रहा है। झूले नहीं लगने के कारण जगह का विवाद है। अब तक मेले में 18 झूले लगते थे, लेकिन इस बार 3 नए झूले आए हैं। नए झूलों के लिए निगम अधिकारियों ने जगह तय नहीं की है, लेकिन उनकी रसीद काट दी है। अब नए व्यापारी अपने झूले फिट कर रहे हैं तो पुरानों को परेशानी हो गई है, क्योंकि नगर निगम ने झूलों की संख्या तो बढ़ा दी है लेकिन जगह नहीं बढ़ाई। एक झूले को फिट होने के लिए 70 फीट की जमीन की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें आधी जगह ही दी जा रही है। इससे खफा व्यापारियों ने शनिवार को धरने पर बैठ गए। पहले वो कार्तिक मेला मंच पर प्रदर्शन करते रहे, बाद में वो नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। झूला व्यापारी निमेश शुक्ला का कहना है कि नगर निगम नए झूले व्यापारियों को जगह देने के लिए गोटी कर रही है, जबकि पहले पुराने वाले झूलों को जगह देनी चाहिए। निगम 30 से 35 फीट जगह दे रहा है, जबकि जरूरत 70 फीट की है। नक्शे के मुताबिक पहले 18 झूला व्यापारियों को जगह देनी चाहिए, फिर नए व्यापारियों को जगह देनी चाहिए। नगर निगम हमारे साथ तानाशाही कर रही है। हम 80-80 साल पुराने व्यापारी हैं, 18 झूले वाले है ना, तो वो उनको हमें पहले जगह नहीं दे रही है, तो उनके पीछे गोटी करना चाह रहे हैं। उन्हें कब जो भी उनने करा हो निगम ने, वो उनकी जाने। जब इन्होंने 4 प्लाट यहाँ निकल दिए तो निगम को देना चाहिए ना हमारे बाद वालों को प्लाट। पहले हम 18 को जगह दे, उसके बाद नगर निगम इनको जगह दे। नगर निगम तानाशाही कर रही है हमारे साथ भैया। जब 18 ये जो नक्शा है, जब ये 18 झूलों का नक्शा है, तो ये 18 झूले लगवाओ ना आप पहले। झूला व्यापारी अब्दुल अजीत जेदी कहते हैं कि गोटी करने की जरूरत ही नहीं है। पहले 18 झूले वालों को जगह दे दी जाए, बाद में जगह बचे तो दूसरों को दे दो। जेदी के मुताबिक नगर निगम की कचरा गाड़ी से दोपहर 1:17 बजे गोटी डालने की सूचना मिली कि दोपहर 2 बजे गोटी डाली जाएगी। निगम कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार नहीं मिला। परेशानी तो ये है कि वारी नगर निगम तेरा खेल, सारे कार्तिक मेला व्यापारियों का निकाल दिया तेल। सारे परेशान है, हालात बस से बदतर बना दिए हैं। जो कोई भी अधिकारी मेला ग्राउंड में आने को तैयार नहीं है। 16 दिन हो चुके हैं मेले का। अगर ये आज की कमाई थी, ये भी हमारी मारी गई। पूर्व में भी हम मांग कर चुके हैं कि अगर अमावस्या से पूर्व जो है कि मेला शुरू हो जाता है तो कुछ तो राहत मिल जाएगी, लेकिन उसको वो भी नहीं मिल पा रही। झूले वालों का भी भाई, ये दुकानों का तो तकरीबन 5 साल से गोटी करते आए हैं। अब इनने ये नया नियम निकाला है कि झूले वालों का भी गोटी सिस्टम करते, तो किस आधार पे करेंगे? ऑन स्पॉट आकर के पुराने, या फिर वरीयता के आधार पे आप उन्हें बिठाओ आकर के। और एक कल बोल दिया कि लगाओ आप झूले खड़े करो, जब पिल्लर खड़े करना चालू करे तो आज 1 घंटे पहले गोटी का कह देते। भाई हम ये चाहते हैं कि या तो सीनियरिटी के हिसाब से निगम के कोई भी अधिकारी आ जाए। कर्मचारियों को 50 साल का रिकॉर्ड है इनके पास, कोई नया कार्ड नहीं बनाया, नए रजिस्टर नहीं बनाए, 50 साल के रजिस्टर है इनके पास। उसमें सब लिखा हुआ है कि किसको कितनी देना है। हम ये चाहते हैं पुराने जितने भी झूला व्यवसायी है, पहले उनको बिठा दिया जाए, जो बचती है नयों को दे दिया जाए, अगर नए पैदा हो गए तो। सहायक आयुक्त सुबोध जैन ने बताया कि झूले वालों के बीच सहमति नहीं हो रही थी। 8 दिन से इनके बीच सहमति नहीं बन रही थी। सर्वसहमति से ये लोग झूला लगाने को तैयार हो गए हैं। हमने 21 झूले वालों को मंजूरी दे दी है। मेला अवधि बढ़ाना हमारा अधिकार का मामला नहीं है, वो कमिश्नर और संभागायुक्त का मसला है। झूले वाले लोग थे जो आपस में इनका सहमति नहीं हो पा रही थी। हमने इनको पहला मौका यही दिया था कि आपसी सहमति से उपलब्ध स्थानों के आधार पर आप लगा लो, क्योंकि चूंकि लेआउट पूरा चेंज हुआ है, पुराना वाला स्थान अब नहीं है, तो वर्तमान में जो उपलब्ध स्थान के हिसाब से इनको आपसी सहमति का मौका दिया गया था। विगत 8 दिनों से ये सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी हमने इनको अंतिम मौका दिया था, तो लेकिन आज बहुत अच्छा ये है महाकाल की कृपा से कि सभी सहमति इन पर हो गई है और सर्वसहमति से ये झूला लगाएंगे। और लिखित में आश्वासन दे गए हैं कि हम कोई विवाद भी नहीं करेंगे और न कोई शिकायत, और जो भी स्थान उपलब्ध है उस उपलब्ध स्थान पर सहमति से झूला लगाएंगे। लगभग कितने झूले लगना है? नहीं, इसमें कुल 21 झूले वाले हैं जिनको हमने बराबर सबको 21 प्लॉट बना दिए हैं। साइज जरूर मौके पर उपलब्धता के हिसाब से इनको आवंटित, इसके विषय में हमारे हक की बात नहीं है। आयुक्त महोदय और संभागायुक्त महोदय के अधिकार क्षेत्र का मैटर है, ये जैसा निर्णय लेंगे हम वो पालन करवाएंगे।